क्या नजारा है। ऐसा नजारा तो गोवा में हमें भी देखने को नहीं मिलेगा। सही कह रहा है, एक नंबर आइटम है। एक काम करता हूँ, पूरा वीडियो बना लेता हूँ। गॉड प्लीज हेल्प मी गॉड। बदतमीज करके एक काम कर, चलते हैं, इंटरव्यू के लिए लेट हो गया। अरे मैडम आप ये कपड़े पहन लो, कोई देख लेगा। थैंक यू सो मच भैया। वो देखियो बुड्ढे को, खुद के तो पैर कवर में, दूसरों की मदद कर रहा है। कर तो मदद ऐसे रहे सलमान खान हो, ये नहीं पता रात को सर्दी लग जाएगी तो यमराज बुला लेंगे इसे। साले के लौंडे भी दवाई नहीं लाके देंगे, इसे मरेगा बुड्ढा। चल इंटरव्यू देते हैं हम। वाह यार रिसेप्शन देख रहा है तू, तो कंपनी कैसी होगी समझ ले खुद ही। वो छोड़, मैं तो ये सोच रहा हूँ ऐसी कंपनी में पैकेज हजारों में तो बात होती नहीं होगी, लाखों का लगेगा, लाखों का। सही कह रहा है, मुझे भी लगता है सैलरी लाखों में होगी। और यार मेरा तो जो अकाउंट है ना उसकी लिमिट कुल 10,000 रुपये है, गाँव में खुलवाया था। एक काम करता हूँ, पापा को अभी मैसेज डाल देता हूँ कि 2-3 अकाउंट खुलवा लें फुल लिमिट वाले, कहीं सैलरी रुक ना जाए मेरी इस वजह से। भाई मैं तो भरोसा ही नहीं करता बैंक अकाउंट पे, गाँव वाले प्लाट के पीछे 3-4 गड्ढे खुदवा दूंगा, सारा पैसा उसी में दाब दूंगा मैं तो। यार तू सही है, इससे तो टैक्स ही बच जाएगा। भाई टैक्स वैक्स का कोई मतलब ही नहीं है। अरे हाँ माँ ऑफिस तो आ गया। हाँ माँ इस बुड्ढे को देखियो, ये कौन है? ये तो वही बुड्ढा है जो उसकी मदद कर रहा था। इंटरव्यू वहां बैठने मत दियो। अरे क्या कर रहे हो अंकल आप यहाँ पे? क्या हुआ? यहाँ पे एक लड़का बैठा है और वॉशरूम में गया है, एक काम करो आप सामने बैठ जाओ। ठीक। अरे क्या बदतमीजी है भाई साहब। क्यों बे घुस गया क्या? क्यों बे, तुझे तो दर्द नहीं होता तो अब कैसे दर्द हो रहा है? वहाँ तो बड़ा तू सलमान खान बन रहा था, उसको अपनी जैकेट दे दी, तेरी वजह से हमारा सारा मनोरंजन बिगड़ गया, समझ आ गई? देखिए भाई साहब मैं भी आप ही की तरह इंटरव्यू देने आया हूँ। जाता है दिलाऊं तेरा इंटरव्यू अभी। चल रुको 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 रुको। जाओगे तुम नहीं ये दोनों। क्यों बे तू क्या बोल रहा था? 2-3 अकाउंट खुलवाएगा, जो तेरे पास अकाउंट है ना वो भी फ्रीज करवा दूंगी, बस एक कॉल करना है मोदी जी को, समझ आई? क्यों बे चोमू तू क्या बोल रहा था कि बाप से कहकर 2-3 गड्ढे खुदवाएगा? अरे अपने बाप को बोल XXL साइज की कब्र खुदवा दे, उसमें पैसे नहीं तुझे दफना दे जाकर। और हाँ तुम दोनों निकलो यहाँ से, वरना सिक्योरिटी को बुलवाकर लात मारते हुए निकालूंगी। निकलो, सुन मोटे फोन दिखा, वीडियो बनाएंगे ये, पकड़। नेक्स्ट टाइम से ऐसा किया ना तो कहीं बैठने लायक छोड़ूंगी नहीं तुझे। अब निकलो यहाँ से और तुम अपनी फाइल दो। ये लीजिए मैडम। मैडम उसे मार्कशीट नहीं है। मार्कशीट नहीं है, कोई बात नहीं, तुम जैसे इंसान को मार्कशीट की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा चरित्र बहुत अच्छा है, और वैसे भी तुम्हारे जैसे शरीफ और नेक इंसान की जरूरत है हमें। आइए